हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। अभी दिवाली आने वाली है। बचपन से ही ना मुझे पटाखे फोड़ने का बड़ा शौक था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ थोड़ा शौक कम हुआ, लेकिन अभी लग रहा है यार इस साल थोड़े पटाखे फोड़े जाएं। तो इस वाली वीडियो में आप देखने वाले हो यूनिक इको फ्रेंडली क्रैकर्स। बहुत सारे खतरनाक वाले हम पटाखे लाएंगे आज, फोड़ के देखेंगे कैसे फूट रहे हैं। बस अभी मैं अपने कजन के साथ जाऊंगा, वो शायद पता नहीं अपने घर पे है, अभी वो स्कूल से आएगा 3 बजे, तो उसको लेके जाऊंगा क्योंकि उसे बहुत शौक है। एंड अभी नाश्ते में मैं पी रहा हूँ कॉफी, आपको पता है एज यूजुअल मुझे कॉफी पीनी कितनी पसंद है। और नाश्ता मैं कर चुका हूँ, ऑमलेट और मशरूम्स, थोड़ा हेल्दी खाया मैं ना। आराम से बैठ के सुबह सुबह एक सीरीज देख रहा था, तो कल रात में भी मैंने आराम से वो सीरीज देखी। मतलब भाई इतना बिंज वॉच कर रहा हूँ ना वो सीरीज में अमेज़न मिनी टीवी में, तो मतलब भाई मजा आ रही है। आपको पता ही, अभी अभी मैं कोरिया गया था, कोरियन ड्रामा का अपन को वैसे इतना ज्यादा शौक लग चुका है ना, चाहे वो BTS के गाने हो चाहे वो BTK ड्रामा हो। सोल टावर भी गया था, वहां पे मैंने आपको शूटिंग लोकेशन दिखाई थी कहाँ कहाँ पे के ड्रामा शूट हुए हैं। तो गाइज अभी ना कॉफी पीते पीते मैं देख रहा हूँ भाई चीयर अप, जो कि अमेज़न मिनी टीवी पर है। मतलब भाई कॉलेज लाइफ से रिलेटेड है, और जब से मैं कोरिया से देख ही रहा हूँ मैं, 4th एपिसोड है। तो खाना खाते वक्त कॉफी पीते वक्त मैं देखता हूँ। सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, हिंदी डब है। हाँ, कोरियन ड्रामा है लेकिन हिंदी डब्ड है। के ड्रामा फैंस हैं, के पॉप फैंस हैं, वो मतलब मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप भी जाके देख सकते हो। देखने के लिए आपको बहुत सिंपल है, अमेज़न ऐप पे जाना है, वहां जाके अमेज़न मिनी टीवी पे जाना है, वहां जाके इम्पोर्टेड सेक्शन के अंदर आपको चीयर अप कोरियन ड्रामा मिल जाएगा। मैं एपिसोड 4 में हूँ, मजा आ रहा है भाई। कॉलेज लाइफ से रिलेटेड है, मतलब कैसे जो है भाई इसमें एक लड़की होती है काफी गरीब होती है, और कैसे मेहनत करके जो चीयर अप स्कोर होता है, बहुत ही रियल एलिमेंट डाला है सीरीज में। बहुत भाई मतलब गूज़बम्स आते हैं देखते देखते। मैंने पैसे क्यों लिए, कुछ फ्री में नहीं मिलता, इतना भी समझ नहीं आता क्या। हर हफ्ते नया शो है, फटाफट चलते हैं भाई, थोड़ा बहुत ही बचा है, इसको खत्म करके रेडी होके ना मैं आपको सीधा बाहर मिलता हूँ। ये ना मेरा फेवरेट कैरेक्टर है भाई पूरे चेयर अप में, और इसकी मॉम मतलब इंसिस्ट करती है कि भाई तुम कंपटीशन पे ध्यान दो। तो गाइज अभी ना मैं राजमा चावल खा रहा हूँ, और ये मैं दही खा रहा हूँ, और साथ में मैंने थोड़ा बहुत ये वेजीज लिए हैं, मतलब कुकुम्बर वगैरह लिया है। बस अब निकल रहे हैं पटाखे लेने के लिए, कजन को पिकअप करेंगे, और मेरी बात हो गई है। ब्लॉग को एंड तक देखना, और यहाँ तक भी देखा है ना तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब दबा देना, और आप सबको हैप्पी दिवाली इन एडवांस, सेफ दिवाली इन एडवांस। तो कमेंट करके बताओ कि आप लोग भाई दिवाली में क्या करते हो एग्जैक्टली, आपने पिछले साल या मतलब हर दिवाली आप एग्जैक्टली आपकी क्या रूटीन रहती है, तो प्लीज कमेंट करके बताओ। एंड सबको हैप्पी दिवाली। अभी हम जा रहे हैं बस क्रैकर्स लेने के लिए, और शाम भी हो गई है और रात में क्रैकर्स फोड़ेंगे। अभी हम जा रहे हैं पंचकुला लेने के लिए, तो मतलब इस दिवाली में भी हम इको फ्रेंडली क्रैकर्स ही फोड़ेंगे और बहुत फैंसी लेंगे। तो हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ अपने कजन को लेने के लिए। तो ये है मेरा कजन, और इसको पटाखों का बहुत शौक है, तो एक्साइटेड है बम लेने के जाने में। तो भाई कौन कौन से लेगा इस बार, तू कुछ फैंसी बता। फैंसी वैंसी लेंगे और इको फ्रेंडली लेंगे, ठीक है ना। फायर क्रैकर वाली दुकान है ना, वहाँ पे शायद अलाउड नहीं होगा शूट करना, बट मैं जब ले लूंगा तो मैं कैब में बैठ के आपको दिखाऊंगा एक एक करके, और एक एक करके फोड़ के देखेंगे, और देखेंगे सब भाई कैसे फूटते हैं। दिवाली के पहले भाई बचपन से मुझे शौक था क्रैकर्स का, पहले जब मैं छोटा था मैंने इतने पटाखे फोड़े ना गाइस, मतलब मैं बताऊंगा ना तो आप लोग कमेंट से बोलोगे हैरी भाई कितना पोल्यूशन किया आपने। ठीक है, इस बार चलो इस बार थोड़ा सा करते हैं, ये अब ये मजे करेगा। बस अभी भी 15 मिनट लगेगा पहुंचने में हमको। आपको एक चीज पता ही होगा कि मतलब चंडीगढ़ फेमस है अपनी साफ सफाई के लिए और ग्रीनरी के लिए, तो यहाँ शाम बड़ी अच्छी होती है। वैसे मैंने आपको भी एक सिटी टूर नहीं दिया, मतलब आज तक नहीं दिया कभी, बट कभी मौका मिला अगर इस वीडियो में आपने 5-10 हज़ार लाइक करवा, 10 हज़ार लाइक करा दिया ना, पक्का मैं आपको एक सिटी टूर दूंगा चंडीगढ़ का, वो बात की बात है। बट अभी हम पहुंचेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अभी आ गए हम पटाखे लेने के लिए, तो पटाखे लेके मैं आपसे मिलता हूँ और बताता हूँ मैंने क्या क्या लिया है। मतलब ये जो एक्साइटमेंट होती है ना भाई, मतलब पटाखे लेने की, बचपन से बहुत ज्यादा है और अभी भी है। ये ले लिए हमने पटाखे, कितने के लिए हैं भाई मैं आपको आखिर में बताऊंगा। और भाई सारे फैंसी आइटम है और सारे इम्पोर्टेड है और इको फ्रेंडली है, सबसे मेन चीज एवरीथिंग इज इको फ्रेंडली। और जिस दुकान से लिए हैं देखो भाई कितना सेफ्टी, इन लोग पूरा प्रिकॉशंस रखे हुए हैं, सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। मजा आएगी आपको पटाखे देख के, बहुत भारी हैं क्योंकि भाई इतने फैंसी जो हैं, और मैं आज ही फोड़ के दिखाऊंगा एक एक करके, आपको घर जाकर दिखाता हूँ कैसे हैं। अगर हम एक्साइटेड बम वगैरह तो ले, और यहाँ फोड़ने की सोच रहे हैं हम लोग। एक्चुअली ये पटाखे हम ले आए हैं और अभी लेके जा रहे हैं ऊपर, इसमें एक एक करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये ना कोई भाई स्काई शॉट है, इस बंदे ने मुझे बताया इसका वीडियो, एक नंबर अलग तरीके से फटता है, कितना बड़ा स्काई शॉट है। तो ये भी फोड़ेंगे हम, और ये फुलझड़ियां भी काफी ज्यादा फैंसी है और सब कुछ इको फ्रेंडली है। और ये पेंसिल है ये भी लेकर आए हैं, और ये कंपनी देख लो, ये आई थिंक जिसमें ये हैंड बनी है ना, ये मतलब काफी फेमस, क्या नाम है इसका, काफी फेमस है ये। और ये अनार बहुत ही फैंसी हैं, और इसमें एनीमे बना हुआ है, और क्योंकि भाई जब से मैं कोरिया से आया हूँ ना, मुझे मतलब ये एनीमे वगैरह काफी बढ़िया लगते हैं। देखो मजा आई, मतलब ये क्रैकर्स खरीद के चीयर अप कोरियन पॉप अमेज़न मिनी टीवी पे।
हाँ यार मैं मतलब 4 एपिसोड देख चुका हूँ। तू कितने एपिसोड देख चुका है? मैं 4-5 देख चुका हूँ। हाँ मतलब भाई मतलब जब ये भी देख रहा है और मतलब मैं बहुत सारे बच्चे देखता हूँ गाइस, मतलब आजकल ना कोरियन ड्रामा के इतने फैंस हो चुके हैं तो अमेज़न मेन टीवी में ये भी लगा रहता है दिन भर। तो ये देखो भाई ये कोई 30 शॉट है और ये अतरंगी मतलब बहुत ही तरीके वाला फैंसी है, ये भी लेकर आए हैं हम। और ये जो चक्री है ये हवा में फटती है, मतलब हवा में उड़ के फटती है ये चक्री। जैसा आपको डिजाइन दिख रहा है ना मतलब एग्जैक्टली ऐसी। और ये भी देखो ये इस कंपनी की है और ये बहुत फेमस कंपनी है। और गाइज ये है, ये क्या है कम, हाँ ये भी स्काई शॉट है, ये भी बहुत फैंसी है। फैंसी पटाखों का बहुत शौक था मुझे, मतलब वो वाले पसंद नहीं आते जो मतलब फटते हैं कान में लगते हैं वो सब। ये जो फुलझड़ी भी है ना ये भी मतलब नॉर्मल नहीं है, कुछ अतरंगी है। और ये इसको क्या बोलते हैं, चुटपुट, हाँ हाँ ये भी फोड़ेंगे ऊपर। ये भी वैसा है लेकिन ये और फैंसी है, ये बहुत कलरफुल है। और देखो एंड सबसे बेस्ट ये 3 स्काई शॉट, काफी एक्सपेंसिव है। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ये सारे क्रैकर्स मैंने कितने के लिए हैं। हाँ ये भी वैसा ही, ये हमने 2 लिए हैं और ये भी स्काई शॉट्स हैं और ये भी बहुत फैंसी हैं। तो मतलब देखो मैंने कितने सारे स्काई शॉट्स लिए हैं, एक ये लिया है और ये 3 लिए हैं, इसके अलावा ये बड़ा वाला ये भी स्काई शॉट है, मतलब बहुत फैंसी हैं। अभी ऊपर चलते हैं और मैंने बैटरी वाली लाइट ले ली है अपनी कजन से, ऊपर लगाएंगे छत में एंड सारे पटाखे आज फोड़ेंगे। एक एक तो आइटम फोड़ूंगा मैं, आपको बताऊंगा फटते कैसे हैं, बाकी जो कुछ बच जाएगा वो मैं दिवाली के लिए रखूंगा। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, हाँ फोड़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा फोड़ रहे हैं। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं ऊपर और ये हमारे पास लाइट है, ये देखो भाई है ना तरीके से, चल 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 भाई। कल लेग्स मारे थे मेरे, टांगे दर्द हो रही हैं अब। मैं आपके मेरे को 2 लड़के मिल गए, मैंने वो करवा दिया बेंच प्रेस। तो ये लाइट देख रहे, ये लाइट हो गई, पहले हम सबको बाहर रखते हैं सजाते हैं, फिर एक एक करके आपको बताएंगे हम क्या क्या फोड़ रहे हैं। ये देख लो भाई अब एक एक करके निकाल रहे हैं, इतने सारे पटाखे हैं भाई, टाइम लग रहा है निकालने में। अब यार खोले, ये देखो ये फोड़ेंगे हम, बहुत अच्छी कंपनी के हैं। एक और चीज, सारे के सारे पटाखों का प्राइस मैं आपको व्लॉग के एंड में बताऊंगा, थोड़ा रुक जाओ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे, ठीक है। तो ये हम फोड़ेंगे, ये फोड़ते हैं भाई, ठीक है, क्या बोलता है फोड़े इसको, ये सॉलिड की है ना इन्होंने। आहा ओहो हो, ये देखो ये फोड़ने वाले हैं और सुतली इसकी ये रही, ये इसकी सुतली है, इसमें आग लगाते हैं देखते हैं कैसा फटता है। भाई रेडी है? तो भाई ये रहा हमारा पटाखा, इसको जला रहे हैं अभी हम। तो पहले ना हम पेंसिल जला रहे हैं और पेंसिल से जलाएंगे इसको। गाइस भाग भाग, ओ भाई मजा आ गई भाई, अलग ही अतरंगी चीज थी है। भाई देखते हैं अभी नेक्स्ट फोड़ते हैं। तो गाइज ये है पटाखा, ठीक है। तो गाइज ये है बम, हो गया हो गया हो गया हो गया, नहीं, उसकी उसमें आग दिखी मेरे को। हम अनबॉक्स कर रहे हैं, ये दूसरा है लिटिल पॉप्स। गाइज ये देख लो ये ऐसा कुछ है और यहाँ ऊपर आग लगानी है इसके। गाइस अभी ना, ओहो अरे बाप रे छोड़ना। तो अभी हम ये जलाएंगे गाइस। तो गाइस ये मैं पेंसिल जला रहा हूँ, अरे बाप रे नाइस। आपने देखा अभी भाई मस्त था ये जो फोड़ा, अभी ये ट्राई करते हैं। तो ये रहे हमारे पटाखे, ये सारे स्काई शॉट्स हैं, इसमें से एक स्काई शॉट ट्राई करते हैं भाई, देखते हैं कैसा रहेगा। अरे अरे भाग 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 भाई भाग, अरे भाई साहब भाई नीचे। अभी तो भाई आपने ये देखा कमाल का था ना, इसको अभी हम रख रहे हैं, सारे अलग अलग है, मतलब एक कोई गोल्डन था एक कोई अलग था। अभी हम निकालने वाले हैं कौन सा निकाले बता, ये उड़ने वाली चक्री निकाल। इसका आपको लग रहा होगा ना भाई क्या है, इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। लास्ट में ना सारे बड़े बड़े पटाखे फोड़, आपको गाइस अच्छे पटाखों के लिए ना थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि जो बेस्ट वाले ना वो हम लास्ट में ही फोड़ेंगे। जबरदस्त के लिए पैकिंग इसकी अच्छी है, बहुत अच्छा ब्रांड है एक्चुअली कॉक। ओहो स्टैंड भी दिया हुआ है।
ये स्टैंड भी दी, ये प्रीमियम जो क्रैकर होते हैं ना इसमें बहुत मतलब देखो स्टैंड दिया हुआ है और ये उड़ने वाली चक्री है। अलग अलग डिजाइन आएगा, पहले इसको सेट करते हैं फिर इसको फोड़ें। स्टैंड रखेंगे सबसे पहले, ये रही इसकी सुतली, ये हमने यहाँ पे फंसाया स्टैंड में, इसको हम भाई दूर रख लेते हैं गलती से फट फट आ गया। आजा आजा, आर यू रेडी? फाइनली इसको फोड़ते हैं, उड़ने वाली चक्री पहली बार आप देख रहे होंगे। क्या चीज थी भाई, मजा आ गया। एक चीज बहुत बढ़िया हुई, देखो भाई स्टैंड से हिला नहीं पूरा पटाखा, वो भी मैंने जस्ट अभी फेंका है उसने, मतलब फटने के बाद भी स्टैंड से नहीं हिला। ये भाई बहुत मस्त चीज है, इसको लगाते हैं तो दूर से रहे। कीप शूटिंग। अब फोड़ते हैं भाई ये क्रैकलिंग डिलाइट, ये सबसे बड़ा वाला भाई, ये देख रहे हो इसका मतलब अलग ही पटाखा है ये। मतलब मेरे को वीडियो दिखाई थी इस बंदे ने और मर्क्यूरी कंपनी का है, हमारे को शॉपकीपर ने भी बोला था कि ये बहुत खतरनाक वाला है, बहुत खतरनाक वाला है। डब्बा खोल दिया हमने और तीन पटाखे हैं इसके अंदर, तीन मतलब शॉट्स हैं। तो भाई ये देखो और सारे अलग अलग टाइप से फटते हैं, तो अभी पहले हम ट्राई करेंगे ये ग्रैंड शॉट और इसको हम दूर रखेंगे। भाई आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर दिस? और इसके बाद देखो भाई, इसके बाद ये भी है 40 शॉट्स और फिर वो देखो गाइस वो अनार देख रहे हो इतना फैंसी सा जिसमें एनीमे बना है, वो भी फोड़ेंगे। ये वाला अभी फोड़ लेंगे, ये बाद में फोड़ेंगे। हाँ ये सबसे सबसे लास्ट में, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और ये एक और शॉट है गाइस, ये तो मतलब अलग ही, मतलब बहुत महंगा है और दिस इज अ ग्रैंड शॉट, ग्रैंड। तो ये ट्राई करते हैं, ये है क्रैकलिंग डिलाइट, इसको हम फोड़ेंगे और एक जो ग्रैंड शॉट है वो आखिरी में फोड़ेंगे, उसके पहले हम फोड़ेंगे 30 शॉट्स। तो शुरू करते हैं इससे और मैं आपको पहले ही बोलूंगा मतलब भाई प्रिकॉशंस लेना अच्छे से। तैयार भाई तू? एक्साइटेड? एक्साइटेड। जा भाग के आ जाओ। अरे चढ़ाई कर ली। ओह कितनी हाइट पे गया यार गाइस, कम से कम 100 मीटर ऊपर गया होगा आराम से। क्रेजी क्रेजी। अब ट्राई करते हैं 30 शॉट्स। ये है भाई हमारा, ये सेमीफाइनल है, फाइनल होगा ये पाम गोल्डन। ये कोई दीदी बनी है, पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग आप सीधी करना, एडवाइस दे रहा हूँ, टेढ़ी मेढ़ी अनबॉक्सिंग मत करना वरना बहुत दिक्कत होती है। और ये हो गया ये अनबॉक्स, अंदर से देख लो कैसा है और इसकी सुतली होगी वो कर। और ये है भाई 30 शॉट्स, कितना ज्यादा है, इसमें भागने का टाइम ज्यादा दिया है, देखा भागने का टाइम देखो कितनी बड़ी है। चल तू वहां पे जा, मजा आने वाला है। ओ वाओ, ओ वाओ, क्रेजी मजा आ गई ना। अभी आप देखो गाइस मैं एडवाइस देता हूँ, इसी जल्दी आगे मत जाना, हो सकता है एक आध शॉट और हो, है ना। आपने देखा ये क्रैकलिंग लाइट तो देख लिया, मेरे पास दो और पड़े हैं, ये मैं दिवाली में फोड़ूंगा, आपको दिखा दिया फटता कैसे है। बट आपके लिए सिर्फ गाइस आपके लिए ये पाम गार्डन द ग्रैंड शॉट। तो जो एक लौता शॉट आया है ये, इसको हम फोड़ेंगे एंड भाई इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये फैंसी अनार। तो हाँ आई यू रेडी भाई इसके लिए? गाइज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं भाई, देखो ऊपर से कुछ ऐसा है, कई लोग पता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सीधा है टेढ़ा है। जहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, जहाँ पे ये देखो यहाँ पे ना इन्होंने कुछ वार्निंग वगैरह भी दी हुई है, तो इसको भी मतलब अच्छे से रीड करना, इस वार्निंग में क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूँ। फॉर आउटडोर यूज ओनली, अंडर अडल्ट सुपरविजन, डू नॉट होल्ड इन हैंड, प्लेस ऑन हैंड लेवल सर्फेस, लाइट फ्यूज विद लेंथी लाइटेड स्पार्कलिंग। मतलब लाइट जहाँ पे तार वार होना वहाँ पे इसको मत जलाना, छत में ही करना, कोई बड़ा हो अडल्ट हो उसके सुपरविजन में ही करना। और 15 मीटर दूर हो जाना फटने के बाद। 12 शील्ड्स, द स्काई दैट ब्लूम्स एज गार्डन ऑफ मल्टी कलर फ्लावर, बिल्कुल फ्लावर जैसे फटे गए। तो हाँ अडल्ट सुपरविजन में ही करना, अकेले मत करना। चलो आ जाओ, देखो गाइस अंदर से कुछ ऐसा है, ये देखो भाई यहाँ पे ब्रांडिंग की हुई है। और ये जो कंपनी है ना कॉक, ये बहुत जबरदस्त कंपनी है, इसका एक भी पटाखा आपको फुस वगैरह नहीं मिलेगा। छत में ही फोड़ना, जहाँ पे तार वगैरह हो वहाँ पे इसको मत फोड़ना, रिस्की होता है। आर यू गाइस रेडी? अगम आर यू रेडी? यस।
मजा आएगा। तो भाई इसको हम रखते हैं सबसे एंड पे उधर या फिर उधर रख दो। और देखो गाइस ये सारे शॉट फटे हैं, देखो हाँ। देखो सारे शॉट फटे हैं, ये यहाँ रखे इसको, नहीं उधर एंड पे रखो ना, फिर यहाँ पर ये वाली तार है वो देख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू रेडी फॉर दिस ग्रैंड, आर यू रेडी? अलार्म बज गया, वाओ भाई मजा आ गया यार, क्या पटाखा था भाई। मैंने कभी स्काईशॉट तूने नहीं देखा ना स्काईशॉट ऐसे। अभी गाइस ये फोड़ते हैं भाई फैंसी वाले अनार, ये ग्रीन कलर का, ये ऑरेंज है, ये रेड है। तो अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, इसको फेंक देखते हैं, बहुत गर्म होता है। दूसरे स्टार्ट करते हैं, सुप्रीम कंपनी के हैं ये। हो ठीक है, सॉरी आंटी, इस साइड उस साइड कर लेंगे। ठीक है हाँ जी आंटी जी। भाई अनार फोड़ना था, लेकिन भाई कोई आंटी आ गई, आंटी कहती कि भाई कचरा तुम मेरे यहाँ आ रहा है करके, तो आपने सुन ही लिया होगा व्लॉग में ना, तो आंटी काफ़ी गुस्से में लग रही थी। तो अब अनार का बाद में फोड़ेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा अनार बट हाँ अभी जाते हैं फटाफट, अभी हम जा रहे हैं पटाखे निकालने और मैं अपने घर पे रखूंगा। और इससे मिल गया आपको पहली बार अच्छा लगा होगा। हाँ, कौन सी क्लास में है तू? सेवेंथ क्लास में है और अभी छोटा है। ओके ब्रो टेक केयर, चल ध्यान रख अपना, ठीक है मिलते हैं फिर कभी, बाय। समझ रहे हो कि नहीं? तो गाइस ये है नेक्स्ट डे और कल पटाखे लेकर आ गए थे और भाई गजब पटाखे फोड़े। आई होप आपको ये एक्सक्लूसिव इको फ्रेंडली दिवाली स्टैश का वीडियो अच्छा लगा होगा। और अभी बस मैं अपनी ये सीरीज कंटिन्यू कर रहा था, और हाँ मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप जाके चीयर अप कोरियन ड्रामा देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो फॉर फ्री। हाँ मिनी टीवी का मैंने लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में। एंड ये व्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आप सबको हैप्पी दिवाली, एंड आई होप आपकी ये दिवाली बहुत कमाल की हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।